नमस्ते नंदिनी की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी उत्तप्पा। यहाँ पे हमारे पास ढोसे का बैटर है, तो इससे मैं आपको मसाला उत्तप्पा बना के बताऊंगी। उत्तप्पा की फिलिंग्स के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज को काट लिया है, एक बड़े टमाटर को मैंने काट लिया है, ये दो मिर्ची को मैंने बारी बारी काट लिया है कटी हुई, धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, ये चाट मसाला है इसका लिंक मैंने शेयर किया है, थोड़ा सा जीरा। अब एक हम बॉल लेंगे, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, टमाटर, मिर्ची, यदि बच्चे खाते हो तो आप मिर्ची की संख्या कम कर सकते हो, चाट मसाला, जीरा, नमक, बारीक कटी हुई धनिया, इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने डोसा का तवा पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, इसमें मैंने आधा चम्मच तेल लगा दिया था। अब हम बैटर को इस पे डालेंगे। उत्तप्पा का बैटर एकदम मोटा ही रहता है, इसमें हम ज्यादा नहीं फैलाएंगे क्योंकि ये मोटा रहता है, पतला नहीं रहता। और इस पे हम अपना फिलिंग्स जो हमने तैयार किया उसे डालेंगे। हल्का सा तेल डाल देंगे ऊपर से। और इसे एक मिनट के लिए हम ढक देंगे। अब हम चेक कर लेंगे, इसे हम पलट देंगे। और यहाँ पे भी हल्का सा तेल डाल देंगे। सेकेंडली इसे भी हम ढक लेंगे, हम चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला उत्तप्पा बनके तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। हमारा टेस्टी मसाला उत्तप्पा बनके तैयार हो गया है। आपको यदि मेरे उत्तप्पा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब।